Greetings everyone, once again welcome to my channel, and today we are going to do first chapter of the book First Flight Class 10, A Letter to God. A Letter to God, it has been written by G.L. Fuentes, जो G.L. Fuentes है वो इसके writer है. A Letter to God, what does it you understand by the title A Letter to God? जो Letter to God है उसका मतलब क्या है? भगवान को letter. तो ये जो chapter है इसमें एक farmer होता है, वो भगवान को letter लिखता है. तो लेट्स सी वेदर ही गेट रिप्लाई और नॉट, उसको रिप्लाई आता है या नहीं आता है, वो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं कि जो फेथ है, विश्वास है, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है. बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन जो हम हैं वो फेथ रखें किसके अंदर? दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये जो स्टोरी है बहुत डेलिकेटली, मतलब बहुत ही नाजुकता से पूछती है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर का नाम है जो भगवान को एक लेटर लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून, जब उसकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो भगवान से 100 पैसे मांगता है. डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान को पहुँचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या जो गॉड है वो उसको मनी भेजता है. थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, मतलब एक बार सोचो कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर क्या हो सकते हैं. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करो कि जो स्टोरी है वो कैसे आगे चलेगी. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, वन एक्टिविटी हैज़ बीन गिवन इट. ये जो एक्टिविटी है आपको दी हुई है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका क्या है पोस्ट ऑफिस से. अगर आप पोस्ट ऑफिस कभी गए हो, दस एक्टिविटी यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ये वाली जो एक्टिविटी आप खुद से करेंगे और हम जो है वो चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. राइट, द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यस, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. कहते ये जो घर है पूरी वैली में, जो पूरी घाटी है उसमें, ये अकेला ही घर है जो कि कहाँ पर है, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, एक जो छोटी सी पहाड़ी है उसके टॉप के ऊपर ये घर बना हुआ है. और ये पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है, इसके आसपास और कोई घर भी नहीं है. और फ्रॉम दिस हाइट, जो उसकी हाइट है घर की, वहाँ से एक जो इंसान है वो क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, जो उसके पके हुए मक्के के खेत हैं उनको देख सकता है, जिसके के ऊपर अब फ्लावर्स आ गए, फूल आ गए हैं. That always promised a good harvest, जो कि एक अच्छी फसल को promise करते हैं. The only thing the earth needed was a downpour. अब जो एक छोटी सी चीज़ की जो अर्थ को रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? डाउनपोर, यानी कि बारिश, और एटलीस्ट शावर, या फिर हल्का फुल्के से बूंदाबांदी हो जाए तो वो जो फसल है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कहते हैं उस मॉर्निंग को, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लंचो ने कुछ नहीं किया, वो क्या करता रहा, सिर्फ स्काई को ही देखता रहा, आसमान को ही देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. और हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली में, जो अपने खेतों को बहुत क्लोजली जानता है, पास से जानता है. अब उसको पता है कि उसके जो खेत हैं उसको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ बारिश की रिक्वायरमेंट है. तो इसीलिए वो सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कि जो बारिश है वो कब आएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें ना कुछ पानी मिलने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेरिंग सपर, सपर होता है जो शाम को हम खाना खाते हैं, डिनर सॉर्ट ऑफ थिंग. तो कहते हैं जो खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी वुमेन, रिप्लाइड, वो उसको रिप्लाई करती है, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल. कहते हैं कि जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे, और वो वहाँ तब तक खेलते जब तक कि जो वो लंचो की वाइफ है वो उनको खाना खाने के लिए नहीं बुलाती. कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एस, कहते वो खाने का ही टाइम था, तभी क्या होता है, जस्ट एस लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी,
बड़ी बड़ी जो बूंदे थी वो गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कहते नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो बड़े बड़े पहाड़ थे बादलों के, वो कोई भी आते हुए अपनी तरफ देख सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत फ्रेश और मीठी मीठी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेशर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जैसे कि बारिश आती है ना, तो हम सब उसमें एकदम से दौड़ पड़ते कि चलो बाहर बारिश आ रही है। तो इसी तरीके से जो मैन था, वो जो लंचो था, वो किसी और रीज़न से बाहर नहीं गया, वो बस इसलिए बाहर चला गया क्योंकि उसको वो जो रेन ड्रॉप्स थी उसको अपने ऊपर फील करना था, वो प्लेशर, वो खुशी अपने अंदर फील करनी थी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो बाहर से अंदर आता है वो खुशी से झूम उठता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहते हैं ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कहते हैं जो बड़े बड़े कॉइन हैं, ये जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी मोटी मोटी बूंदे हैं, ये 10 सेंट्स हैं, और जो ये छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट्स है। 5 सेंट्स जो है वो वहाँ की करेंसी है अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन। तो कहते हैं ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। उसने क्यों रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया? बिकॉज दोज रेन ड्रॉप्स वर अ प्रॉमिस फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप्स थे वो एक अच्छी फसल के लिए प्रॉमिस था, मतलब उनसे उससे उसकी जो फसल थी वो अच्छी होने वाली थी, इसीलिए उसने उनको पैसों से कंपेयर किया था। राइट, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। कहते हैं उसके जो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे वो बहुत संतुष्ट था, और जो एक्सप्रेशन उसके आ रहे थे फील्ड को लेकर, और उसके जो पकी हुई कॉर्न की फसल थी और उसके जो फ्लावर्स थे, वो कहते हैं वो सारी चीज़ें जो थी उसके ऊपर कर्टेन बन गया था, मतलब जो बारिश की बूंदें थी वो उसने और उसकी जो फ्लावर्स थे उनको कवर कर लिया था। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। कहते लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, और बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसके साथ ही हेल स्टोन्स होते हैं, ओले, तो बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो आसमान से गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये जो ओले गिर रहे थे, ये जो हेल स्टोन्स थे, वो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहे थे? सिल्वर कॉइन्स की तरह, जैसे चांदी का सिक्का होता है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बॉयज़ थे, छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि उन ओलों से उनकी फसल को नुकसान होने वाला है। वो भागते हुए बाहर जाते हैं, और वो जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, वो जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं जो कि मोतियों जैसे दिख रहे थे, वो उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब जो लंचो है वो दुख से कहता है कि अब तो ये बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, यानी कि ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं ये जल्दी से गुजर जाए और हमारी जो फसल है वो ख़राब ना हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो बिल्कुल भी जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द स्मॉल हेल रेन्ड ऑन द हाउस। कहते हैं 1 घंटे तक जो वो हेल थे, वो जो ओले थे, बर्फ़ के टुकड़े थे, वो घर के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन, गार्डन में गिरते रहे। द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। हिल साइड यानी कि माउंटेन, पर्वत की तरफ, और जो कॉर्न फील्ड थे, जो उसके मक्के के खेत थे, उसके ऊपर वो गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी वैली के अंदर 1 घंटे तक जो था वो हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो उसके खेत थे वो बिल्कुल वाइट हो गए थे, इतने सारी मतलब बर्फ़ के टुकड़े गिरे थे कि वो जो पूरा उसका वो था, फील्ड था, खेत था, वो पूरा कैसे हो गया था, उनसे कवर्ड हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट यानी कि नमक उसके ऊपर डाल दिया हो किसी ने। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। जो कॉर्न के जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स तो रहे रहे नहीं, बल्कि जो एक भी पत्ता था वो भी पेड़ों पे नहीं बचा था, यानी कि जो सारी फसल थी वो ख़राब हो गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसके खेत थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स आए हुए थे उन प्लांट्स के ऊपर, वो टूट कर नीचे गिर गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लैंचो की आत्मा थी वो किससे भर गई थी? दुख से भर गई थी।
When the storm had passed, जैसे जो तूफान है वो वहाँ से गुजरता है, he stood in the middle of the field, वो फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है, and said to his sons, और अपने बेटों से कहता है, a plague of locust, plague of locust होता है, जैसे वो सुना है ना टिड्डी दल के बारे में, वो कीड़ों का एक पूरा सा झुंड आता है, और वो क्या करता है, जैसे ही मतलब वो खेतों के ऊपर से गुजरता है, वो पूरे खेत को खा जाता है। तो लॉकस होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, जो ग्रुप्स में उड़ते हैं, और टिड्डी दल बोलते हैं हिंदी में हमारे यहाँ। तो कहता है कि अगर एक प्लेग ऑफ लॉकस्ट आता तो वो इससे ज़्यादा खेतों में छोड़ जाता, यानी कि वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि इस हेलस्टोन ने नुकसान कर दिया है। राइट, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो हेल थे, जो ओले थे, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा खेतों में। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है हमने जितनी भी मेहनत की सब बेकार हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि उनका अकेले का ही घर होता है वो पूरी वैली के अंदर। कहता है कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है कि इस साल हम जो है वो भूखे मरने वाले हैं। राइट, उसके बाद सम क्वेश्चन हैज़ बिन आस्ट टू यू, आई थिंक यू नो द क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल, तो आप इसको खुद से ढूंढने की कोशिश करना। राइट, नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द चैप्टर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कहते हैं लेकिन फिर भी जो उस सॉलिटरी में अकेले घर में रहते थे उस वैली के बीच में, वो निराश नहीं थे, उनके दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी कि उनको जो भगवान है वो हेल्प करेंगे, दैट दे विल गेट अ हेल्प फ्रॉम द गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो कहते हैं इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहता हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी जो इंसान है वो भूख से नहीं मरता है, भगवान जो है वो सबको खाने के लिए देते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहता यही बात उन्होंने कही कि कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचर थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात वो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसे कि उसको बताया गया था कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, वो बातें भी जो एक अंदर अंदर गहरे छुपी हुई होती है, कॉन्शियसनेस उसकी अंतरात्मा में होती है, वो अंदर अंदर जो सोच रहा होता है इंसान, तो जो भगवान है वो उसको भी देख सकता है, ऐसा उसको बताया गया था। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो लंचो है ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करने वाला इंसान है, जो कि खेतों में कैसे काम करता है, जानवरों की काम तरह काम करता है, यानी कि बहुत मेहनत करता है। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, अगले दिन संडे था तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वो खुद ही शहर ले जाने वाला था, प्लेस इन द मेल, और जो पोस्ट ऑफिस है उसमें डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, के तो वो और कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था जो उसने भगवान को लिखा था। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, उसने भगवान को वो लेटर लिखा था, उस लेटर में उसने लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे और मेरी फैमिली की मदद नहीं करेंगे तो हम इस साल भूखे मरने वाले हैं। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसमें लिखता है कि मुझे 100 पीसोज की रिक्वायरमेंट है ताकि जो मेरे खेत हैं मैं इनको दोबारा से ग्रो कर सकूं, उगा सकूं, और जब तक मेरी नई फसल तैयार होकर आए तब तक मैं ज़िंदा रह सकूं, खाना खा सकूं आराम से। तो इसलिए मुझे सरवाइव करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 100 पीसोस। पीसोस जो है वो लैटिन अमेरिकन करेंसी है, राइट, जैसे यहाँ पे रुपए होते हैं वहाँ पे पीसोस होते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने पूरी लिखी क्योंकि वो जो हेल स्टॉर्म था उसने मेरी जो फसल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जो एनवेलप था उसके ऊपर क्या एड्रेस लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड द इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, कहते हैं कि उसने वो जो लेटर था
एनवेलप के अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला, और वो बहुत मुश्किल में था और वो टाउन चला जाता है, शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस से लेकर वो उसके ऊपर स्टैम्प लगा देता है एंड ड्रॉप डेट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको पोस्ट ऑफिस उसमें जो बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस वालों का, उसमें वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ये था एक जो एम्प्लॉय था, एक जो पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस के काम में हेल्प भी करता था, कहते वो अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है और उसको वो जो लेटर वो दिखाता है कि ये देखो ये किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहता है कि अपने पूरे कैरियर में, अपनी पूरी लाइफ में उसने ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं देखा था जिसके ऊपर कि जिसने कि कभी भी भगवान को जो है वो लेटर लिखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कहता है जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा एमिएबल मतलब फ्रेंडली इंसान था, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है और जो लेटर है उसको डेस्क के ऊपर टैप करने लगता है, पटकने लगता है। वट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो उसको कहता है कि देखो कितना फेथ है इसको, कितना विश्वास है भगवान पे, काश मुझे भी इतना ही विश्वास होता कि मैं भगवान से बातें करना शुरू कर देता, कॉरस्पॉन्डेंस यानी उनसे बातचीत शुरू कर देता, काश मेरे को भी भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो इसलिए अब वो पोस्ट मास्टर जो था वो नहीं चाहता था कि वो जो लंचो है जिसने लेटर लिखा है उसका जो भगवान है उसके ऊपर से विश्वास हटे, इसलिए उसको एक आइडिया आता है आंसर द लेटर, और वो सोचता है कि वो जो लेटर है वो उसको जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कहता है लेकिन जैसे ही वो लेटर को ओपन करता है तो अब वो एविडेंट हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है कि उसको उसका जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत की ज़रूरत नहीं है बल्कि किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब अच्छी नीयत इंक और पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा भी उसको और कुछ चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, लेकिन वो जो अपना रेजोल्यूशन उसने जो डिसीजन लिया था कि उसको हेल्प करेगा वो उसके ऊपर पक्का था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, isliye usne kya kiya apne jo post office employees the unse kuch paisa ikhatta kiya, usne apni salary ka ek part jo tha wo donate kiya, aur uske kafi sare jo dost the jo charity karna chahte the daan karna chahte the unse unhone kuch paise ikhatte kar liye। It was impossible for him to gather द 100 pesos, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos कलेक्ट कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो सिर्फ आधे यानी 50 पैसे से और थोड़े से ज़्यादा जो थे वो उस फार्मर को भेज पाने में सक्षम हुआ, यानी कि 100 pesos तो वो कलेक्ट नहीं कर पाया लेकिन आधे से थोड़े से ज़्यादा उसने कलेक्ट कर लिए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड इज अ सिग्नेचर गॉड, कि तो उसने जितने भी पैसे थे वो एनवेलप के अंदर डाले, उसके ऊपर लंचो का एड्रेस लिखा और लेटर के जो एनवेलप था उसमें एक लेटर लिखा जिसपे उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड ही उसने लिखा था जिसपे उसने सिग्नेचर किए थे गॉड। द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर, अब अगले संडे को ना जो लंचो था वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, मतलब नॉर्मली जिस टाइम पर आता है उसे थोड़ा सा जल्दी आ गया था और वो आते ही पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कहते हैं कि जो पोस्टमैन था उसने खुद से वो जो लेटर था जो पोस्टमैन मास्टर ने जिसके अंदर पैसे लिखे थे वो खुद उसने पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसको दिया ताकि वो उस सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, ताकि वो उस संतुष्टि को महसूस कर सके कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है।
और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब लेंचो को इतना भरोसा था भगवान के ऊपर तो कि उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं चौंका कि भगवान ने उसको इतनी जल्दी हेल्प कर दिया। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जैसे ही वो जो पैसे उनको गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसको पूरा भरोसा था कि ना तो भगवान ऐसी गलती कर सकते कि वो पैसे गिनने में गलती करते, ना ही उसको मतलब ये था कि जो भगवान है वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको मना कर देगा, उसको हेल्प करने से मना कर देगा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जो पैसे होते सिर्फ 70 पीसोस होते हैं उसके अंदर, तो अब उसको पूरा यकीन है कि भगवान ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और ना ही वो उसको हेल्प करने से कभी मना करेंगे। इमिडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इसलिए उसी टाइम जो लेंचो है वो विंडो के ऊपर जाता है, पोस्ट ऑफिस विंडो के ऊपर, और पेन और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर सारे लोग बैठ के लेटर लिखते हैं वहाँ पर वो लिखना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब उसकी जो आईब्रोज हैं वो गुस्से में एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं, सिलवटें आ जाती हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो कि मतलब वो गुस्से में है और वो काफ़ी कोशिश करके लिख रहा है ताकि वो जो अपने आइडियाज़ उनको एक्सप्रेस कर सकें। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड अफेक्ट्स टू। जब वो ख़त्म हो जाता है लिखने से, मतलब वो फिनिश करता है अपना लेटर लिखना, वो विंडो के पास जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है जिसको कि वो लिक करता है, लिक मतलब चाटता है, उसके बाद उसको चिपका देता है एनवेलप के ऊपर। एनवेलप के ऊपर चिपका देता है विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने मुट्ठी की हेल्प से, मतलब वो अपनी मुट्ठी से उसको मारता है और उसको स्टैम्प को उसके ऊपर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही मतलब वो मेल बॉक्स के अंदर लेटर डालता है, जो पोस्ट मास्टर वो भाग कर जाता है ताकि वो लेटर को खोल सके। इट सैड, जो लेटर था उसके अंदर लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी। तो उसको कहता है भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले, सिर्फ 70 पैसे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो मेल से बिल्कुल भी मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ये क्या है, बंच ऑफ ग्रुप्स है, चोरों का ग्रो है। यानी कि इस बार जो है वो पैसे मुझे मेल बॉक्स से मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, किसी और तरीके से भेजना, क्योंकि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये चोर हैं। लेंचो को लगता है कि जो उसके 30 पैसों थे वो किसने चुराए थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुराए थे। लेंचो राइट लासी राइट द लेंचो। सो दैट वाज योर चैप्टर, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा एंड यू गेट टू नो द थीम ऑफ द स्टोरी कि वी शुड ट्रस्ट ऑन द ह्यूमैनिटी एज वेल, हमें इंसानों के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए भगवान के साथ साथ। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।